हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्मार्ट रैंकर्स क्लासेस के इस बेहतर वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कैसे करें। आज का जो ट्रिक है उसको जानने के बाद आप छोटे मोटे जो रासायनिक समीकरण रहेंगे उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th में हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं। दूसरा चीज मैं ये बताता हूँ कि इसके पहले भी मैंने एक इस वीडियो को बनाया था जो कि इस समय वायरल पॉइंट पे चल रहा है, तो इस वजह से मैं आपको जानकारी ये भी देना चाहता हूँ कि जो बच्चों को अगर उसमें कंफ्यूजन हुआ है उस वीडियो में, तो इस वीडियो को एक बार देखें और अपने जो पॉइंट है, जो भी डाउट्स है, उसको क्लियर करें 100% के साथ। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कहीं पे भी दिक्कत होती है तो उसी में बहुत सारे बच्चे कमेंट करें कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो उस चीज को और मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग, और यदि चैनल पे पहली बार एंट्री की हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और जो मेरा पुराना वाला वीडियो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको भी देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिफाई होगी। तो सबसे पहले आपको इस तरीके की अभिक्रिया को करने के लिए एक बात को ध्यान में रखना होगा कि जो एटम है उस एटम का परमाणु क्रमांक क्या होता है और उस एटम की संयोजकता क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये आपको पता है तो आप आसानी तरीके से इस सारे समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले जो यहाँ पे परमाणु देख रहे हैं या एटम देख रहे हैं उसका नंबरिंग मैंने लाइन से लाइन वाइज किया है, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, इस तरीके से जितने भी एटम है 20 तक मैंने कर दिया है नंबरिंग, और उसकी संयोजकता भी मैंने साइड में लिख दी है। हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होती है, हीलियम की 0 होती है, लिथियम की +1 होती है, बेरिलियम की +2 होती है, बोरान की +3 होती है, तो वो मैंने कर दिया है। अब इस संयोजकता कैसे निकलता है इस पे थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि संयोजकता आखिर में कैसे निकलता है। तो संयोजकता निकालने के लिए आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना होगा। पॉइंट ये है कि अगर किसी भी परमाणु के बाहरी कोष में 5 से अधिक या 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उस कंडीशन में उसकी संयोजकता निकालने के लिए हम लोग उस संख्या को 8 से घटा देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, किस क्या करेंगे, 8 से घटा देंगे। अगर किसी भी परमाणु की बाहरी कोष में 5 से कम इलेक्ट्रॉन है, जैसे 4 है 3 है 2 है 1 है, तो उस कंडीशन में उस परमाणु की संयोजकता वही रहेगी जितना उसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम हमारा 3rd नंबर पे है, तो आप लोग जानते हैं कि जो के एल एम एन कोष होता है, जैसे हम लोग जानते हैं क्या है के एल एम एन एक कोष होता है, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एल में 8, एम में 18, इस तरीके से, और एन में 32। तो इस तरीके से आपको क्या पता है, 2 के बाद अगर 3 होगा तो वो 8 वाले में चल जाएगा। तो यहाँ पे लिथियम के पास कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो पहले हो गया, अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो 1 +1 आ गया। उसी तरीके से बेरिलियम में 2 पहले वाले में चल गया, फिर 2 बचा तो 2 इसमें, तो +2। फिर इसी तरीके से कार्बन में देखो तो कार्बन की परमाणु क्रमांक कितनी होती है, 6 होती है, तो 2 पहले वाले में हो गया, फिर कितना बचा, 4 बचा तो +4। लेकिन नाइट्रोजन में देखो तो नाइट्रोजन में क्या होता है, पहले वाले में 2 फिर 5 बचा, तो इसमें क्या किया हमने, 8 में से 5 को घटा दिए तो हमें क्या बचा, 3 मिला। और जब घटाने पे जो मिलेगा उसके आगे हम लोग -3 लिखेंगे, क्योंकि वो घटाने के बाद हमें मिला, और जो बिना घटाए हुए मिलेगा उसके आगे हम लोग +1 लिखेंगे, प्लस साइन को लगाएंगे। तो ये चीज थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। अब मैं बात करूंगा कि रिएक्शन को कैसे करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे HCl +NaOH देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन की जो संयुक्तता होती है वो क्या होती है, +1 होती है, तो मैं हाइड्रोजन के नीचे +1 लिख देता हूँ। क्लोरीन की संयुक्तता, क्लोरीन की संयुक्तता जो होती है वो कितनी होती है, क्लोरीन की संयुक्तता होती है -1, ठीक, क्लोरीन की संयुक्तता -1 होती है, तो क्लोरीन की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, -1 लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -1 लिख दिए, क्लियर बात। अब सोडियम की संयुक्तता यहाँ पे देख रहे हैं +1, तो +1 हम लोग लिख दिए। अब OH हमारा क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन की जो संयुक्तता होती है वो क्या होती है, -1। ये कैसे पता चला, ये हमें ऐसे पता चला कि जो ऑक्सीजन है उसकी संयुक्तता कितनी हो गई, -2, और जो हमारा हाइड्रोजन है उसकी संयुक्तता +1, तो -2 और +1 को जोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, -1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हाइड्रोक्साइड आयन के लिए संयुक्तता।
आगे अब आपको क्या करना है, आगे ये करना है कि जो हमारा इधर वाला है मतलब ये वाला प्लस वाला, वो इस माइनस के साथ चेक कर देगा, और जो आगे वाला प्लस वाला है वो इस माइनस के साथ, तो इसका रिएक्शन इसके साथ होगा और इसका रिएक्शन इसके साथ होगा। क्लियर बात? तो यन्ने और सीएल मिला के कितने हो जाएंगे, यन्ने सीएल हो जाएंगे प्लस हाइड्रोजन और ओएच मिला के क्या हो जाएंगे, जल बन जाएगी, मतलब एच ओएच होगा, और एच ओएच को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ही बोलते हैं, तो यहाँ पे एच टू ओ हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, यन्ने सीएल। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो यन्ने सीएल प्लस एच टू ओ होगा, मतलब ए रिएक्शन का जो एरो रहेगा वो ऐसे रहेगा, इसका और इसका रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, यन्ने सीएल प्लस एच टू ओ। अब मैंने यहाँ पे दो आएगा कि तीन आएगा क्या आएगा, उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे देखो तो सब क्या है, एक एक है, सबके यहाँ एक है, तो यहाँ पे कोई भी नंबरिंग नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, यन एच फोर आ गया, यहाँ पे यच टू आ गया, तो इस तरीके की नीचे नंबरिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हर जगह एक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्या है, यन एच फोर सी एल प्लस यच टू ओ। तो यन एच फोर पे क्या होता है, प्लस वन चार्ज होता है, प्लस वन चार्ज होता है, कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ। नाइट्रोजन पे क्या होती है, नाइट्रोजन की जो संयुक्तता होती है माइनस तीन, और हाइड्रोजन की क्या संयुक्तता होती है, हाइड्रोजन की संख्या संयुक्तता प्लस वन होती है। तो प्लस वन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है कितना, चार हाइड्रोजन है, तो चार से गुणा कर दो तो प्लस चार, और नाइट्रोजन की कितनी थी माइनस थ्री, तो प्लस चार और माइनस थ्री जोड़ दोगे तो क्या बचेगा, प्लस वन ना बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस वन लिख देंगे। और क्लोरीन की संयुक्तता कितनी होती है, ऊपर आप लोग देखे हैं कि क्लोरीन की संयुक्तता क्या है, माइनस वन, तो क्लोरीन की जगह पे माइनस वन लिख दो। उसी तरीके से यच टू ओ का मतलब क्या होगा, यच टू ओ का मतलब हो गया यच ओ एच, यच टू ओ का मतलब क्या हो गया यच ओ एच, और यच ओ एच में हाइड्रोजन की संयुक्तता क्या होती है, प्लस वन, और ओ एच माइनस की माइनस वन। अब ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ और ये वाला प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा यहाँ पे एक यच था और एक सी एल है, तो यच और सी एल मिला के क्या हो जाएंगे, यच सी एल, ठीक। और एन एच फोर और ओ एच यहाँ पे हो जाएंगे प्लस एन एच फोर, क्योंकि ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा प्लस और माइनस वाले आपस में जुड़ेंगे, तो यच सी एल प्लस एन एच फोर ओ एच, ये हमारा रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी सब वन ही वन वाले हैं, तो इसलिए इसका भी हमें जो रिएक्शन के थ्रू मिलेगा वो यही मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं, यच टू यच फोर एन एच फोर ओ एच, ठीक। तो एन एच फोर में क्या आपको मिला, एन एच फोर में प्लस वन मिल गया है और ओ एच का माइनस वन होता है। यसो फोर का क्या आएगा इसको आपको देखना है। तो यसो फोर में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि सल्फर जो है, सल्फर की संयुक्तता अगर हम लोग देखें, सल्फर की संयुक्तता अगर हम लोग देखें तो हमें क्या दिखता है, सल्फर की संयुक्तता हमें दिखता है माइनस टू। सल्फर की संयुक्तता क्या होती है, माइनस टू, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे देखो, सल्फर जो है, इस सल्फर की संयुक्तता कितनी है, माइनस टू। क्लियर हो गई ये बात। अब सल्फर की संयुक्तता क्या हो गई, माइनस टू, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की संयुक्तता कितनी होती है, ऑक्सीजन की संयुक्तता भी क्या होती है, माइनस टू होती है। तो माइनस टू सल्फर की भी है, माइनस टू ऑक्सीजन की भी है, ये सल्फर हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। इस कंडीशन में आप क्या लोगे, जैसे अगर ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा तो यहां पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की संयुक्तता माइनस टू है, और ऑक्सीजन है कितना, यहां पे ऑक्सीजन यहां पे चार टू है, तो माइनस टू का हम लोग फोर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एट मिल जाएगा। और सल्फर की संयुक्तता है कितनी, सल्फर की संयुक्तता कितनी है, माइनस टू, तो माइनस एट, ठीक। और हम लोग क्या करेंगे, उसमें से माइनस टू को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस टू को घटा देंगे तो हमें मिलेगा माइनस सिक्स। तो क्या आपको लग रहा है कि यसो फोर की संयुक्तता माइनस छ होनी चाहिए, आपको देख के क्या लग रहा है कि यसो फोर की संयुक्तता माइनस छ होनी चाहिए, नहीं। इस कंडीशन को अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या देखना है, अगर ऐसा कंडीशन मिलेगा तो इन दोनों में देखना है कि जो आपका सिंगल एटम रहेगा, जो सिंगल एटम रहेगा उस एटम के, उस परमाणु के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस इलेक्ट्रॉन को आपको काउंट करना है, उस इलेक्ट्रॉन को आप काउंट करोगे। तो यहाँ पे सल्फर के बाहरी कोष में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे उस कंडीशन में आप क्या लिख दोगे, छह लिख दोगे। और ऑक्सीजन की जो टोटल संयुक्तता यहाँ पे आएगी वो कितनी आएगी, माइनस एट, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस एट। और इन दोनों को जोड़ दोगे तो माइनस एट और सिक्स जोड़ने के बाद क्या मिलेंगे आपको, माइनस टू। तो ए हो जाएगी यसो फोर की संयुक्तता, ऐसा आपको दिमाग लगाना है, माइनस टू। और हाइड्रोजन की क्या होगी,
हाइड्रोजन की संयुक्तता यहां पे प्लस वन होगी। ठीक, अब फिर वही प्रोसेस NH4 जो है वो इस SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो हाइड्रोजन और OH मिला के वाटर बनाएंगे ये तो, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से दोनों से मिला के केवल एक ही चीज बनता है, वो क्या है, जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो केवल जल ही बनता है, ये आपको पता है। ठीक, तो ये पहले लिख दिए। अब NH4 और SO4 हम लोग लिख देते हैं, NH4 और SO4 लिख देते हैं। अब जो सल्फर की संयुक्तता नीचे आई है वो 2 है और NH4 की जो है वो प्लस 1 है, तो ये जो सल्फर वाला 2 रहेगा वो NH4 के साथ चला जाएगा और NH4 वाला जो 1 रहेगा वो सल्फर के साथ चला आएगा। तो ये 1 तो हम लोग नहीं लिखेंगे, लेकिन SO4 वाला जो 2 है जो कि NH4 के साथ आएगा वो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकेट लगा के NH4 का ट्वाइस लिख देते हैं। ये 2 आपको आगे नहीं लिखना है, कोई भी चीज आप आगे नहीं लगाओगे, वो आप साइड में नीचे लगाओगे, तो NH4 का ट्वाइस इंटू SO4 बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे फोर्थ नंबर पे HCl plus CaCO3। तो HCl में हाइड्रोजन की प्लस वन और क्लोरीन की माइनस वन। कैल्शियम जो है, इस कैल्शियम की संयुक्तता कितनी होती है, कैल्शियम की संयुक्तता होती है प्लस टू। मैं आपको दिखाने की अगर कोशिश करूं तो कैल्शियम की संयुक्तता यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस टू दिखाई दे रहे हैं जहां पे मेरा पेन है, तो कैल्शियम की संयुक्तता क्या होगी, प्लस टू। और CO3, CO3 की संयुक्तता कितनी होती है, CO3 की संयुक्तता जो होती है वो क्या होती है, माइनस टू। कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ, वही वाला मेथड अपनाना है आपको जो मैंने ऊपर बताया SO4 के केस में। SO4 के केस में आप क्या देखे थे, सल्फर के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपको देखना है, तो उसी तरीके से कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 रहते हैं, ये आपको पता है। ऑक्सीजन की संयुक्तता कितनी होती है, माइनस टू, तो माइनस टू कितना होगा, तीन बार, तो माइनस टू का तीन में गुणा करेंगे तो माइनस सिक्स। अब दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा आपको, दोनों को जोड़ने के बाद आपको मिलेगा माइनस टू, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस टू। अब क्या करोगे, ए वाला प्लस का इसके साथ और ए वाला प्लस का इसके साथ। ठीक, तो यहाँ पे सी ए और सी एल लिख देंगे। अब कैल्शियम की संयुक्तता टू है और क्लोरीन की माइनस वन है, तो ए वाला टू किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे सी ए सी एल टू आ जाएगा प्लस। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ चला आएगा तो यश और CO3 आएगा। अब कार्बोनेट की संयुक्तता 2 है तो इसका 2 और इसका 1 है, तो ये वाला 2 किसके साथ चला आएगा, हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग 2 को H2CO3। क्लियर बात हो गया। अब एल्युमिनियम की जो संयुक्तता होती है वो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस 3 होती है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस 3 लिख देंगे। और क्लोरीन की संयुक्तता माइनस 1, NH4 की संयुक्तता प्लस 1 होती है, मैंने आपको बताया। PO4, PO4 की संयुक्तता कितनी होती है, PO4 की संयुक्तता माइनस 3 होती है। कैसे पता, हम लोग क्या देखेंगे, फास्फोरस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो फास्फोरस 15वें नंबर पे आता है, तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन की संयुक्तता माइनस 2 होती है, तो माइनस 2 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस 8 मिलेगा, तो 5 माइनस 8 दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, माइनस 3। तो PO4 की जो संयुक्तता होती है माइनस 3। अब ये वाला अंदर वाले के अंदर के साथ और बाहर वाले के बाहर के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, AlPO4, क्योंकि दोनों की संयुक्तता 3 है इसलिए हमें कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, अगर दोनों की संयुक्तता बराबर रहेगी तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत है नहीं। अब आगे क्या है, NH4 प्लस NH4 और यहाँ पे Cl, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों की प्लस और माइनस 1 है। अब इस रिएक्शन को हमें संतुलित करना होगा, संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है, तो इसलिए हमें 3 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब ये जो हमारा रिएक्शन है वो पूरी तरीके से संतुलित है, ठीक ना। वैसे अगर इसको देखो तो इसको भी संतुलित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देख रहे हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे आगे हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये संतुलित करने का तरीका था, और ज्यादा कुछ नहीं था। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है HNO3 plus CaOH2। तो हाइड्रोजन की संयुक्तता प्लस 1 और नाइट्रेट NO3, NO3 की संयुक्तता कितनी होती है, माइनस 1। कैसे आएगा, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। जब ऐसा केस आएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि 2 एटम अगर आपको मिलते हैं तो उस कंडीशन में जो एटम रहेगा एक, उसकी आप बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन देखोगे, तो नाइट्रोजन 7वें नंबर पे होता है तो बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसका लिख दोगे। और ऑक्सीजन की संयुक्तता कितनी होती है, माइनस 2, तो माइनस 2 का 3 में गुणा करोगे तो माइनस 6। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपको, माइनस 1, तो नाइट्रेट की जो संयुक्तता होती है माइनस 1। प्लस सी ए की संयुक्तता कितनी होती है, प्लस 2, और OH की संयुक्तता माइनस 1। अब ये वाला इसके साथ आ जाएगा और ये वाला इसके साथ,
तो हमें क्या मिलेगा, मैंने क्या बताया, OH और EH मिला के हमेशा जल ही बनेंगे, तो जल को तो आपको पहले लिख देना है, प्लस CA और NO3 बन जाएंगे, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3। अब देखेंगे कि CA की संयोजकता कितनी है, प्लस टू और नाइट्रेट की माइनस वन, तो ये वाला जो प्लस टू रहेगा वो नाइट्रेट के साथ आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू। ठीक, अब इसको हमें संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए देखो यहाँ पे नाइट्रेट यहाँ पे कितना दिख रहा है, दो टो, जबकि यहाँ पे नाइट्रेट एक है, तो आगे दो से गुणा कर दो, तो दो से आगे गुणा कर दे, तो नाइट्रेट तो हमारे दो हो गया। और हाइड्रोजन इसमें कितना दिख रहा है, हाइड्रोजन इसमें दो यहाँ पे चार दिख रहा है, दो हाइड्रोजन इसमें दिख रहा है, तो इसको संतुलित करने के लिए दो हाइड्रोजन यहाँ पे गुणा कर दो। ठीक, अब यहाँ पे देखो दो ऑक्सीजन हो गया, दो ऑक्सीजन इसमें हो गया, दो दो चार हाइड्रोजन हो गया, दो दो चार हाइड्रोजन हो गया, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक, नाइट्रेट कितने है, दो है, दो नाइट्रेट, तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे MgNO3 का ट्वाइस प्लस Na2CO3, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की संयुक्तता प्लस टू, तो यहाँ पे प्लस टू लिखेंगे, और नाइट्रेट की यहाँ पे देखिए माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन, Na की कितनी होती है प्लस वन, और कार्बोनेट CO3, तो CO3 की संयुक्तता माइनस टू, तो यहाँ पे माइनस टू लिख देंगे। अब क्या होगा, अंदर का अंदर के साथ, बाहर का बाहर के साथ, ठीक, तो MgCO3 के साथ करेगा रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Mg, क्योंकि दोनों की संयुक्तता बराबर है, तो कोई भी नंबर की हमें गुणा गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो MgCO3 प्लस NO3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, दोनों का वन ही है। अब इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे दो सोडियम दो नाइट्रेट दिख रहा है, तो दो से आगे गुणा कर दो, ये हमारा हो जाएगा समीकरण पूरी तरीके से संतुलित। तो उम्मीद है आपको मेन फंडा जो है किस तरीके से हमें समीकरण सॉल्व करना है ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और यदि आपको मजा आया होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत होगी।